गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश वर्क। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? इंग्लिश वर्क। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। आज हम कोई एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सिंगुलर एंड प्लूरल्स। अब सिंगुलर एंड प्लूरल्स होते क्या हैं? कोई भी एक चीज, जगह या आइडिया, वन थिंग, वन प्लेस और वन आइडिया, एनीथिंग, कोई भी एक चीज जो होती है उसको आप क्या कहते हो? सिंगुलर। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? सिंगुलर। एक को आप क्या कहते हो? सिंगुलर। एक को आप क्या कहते हो? सिंगुलर। एंड मोर देन वन, एक से ज़्यादा चीज़ को आप क्या कहते हो? प्लूरल्स कहते हो। क्या कहते हो आप उसको? प्लूरल्स कहते हो। एक चीज़ को आप सिंगुलर कहते हो और एक से ज़्यादा चीज़ को आप क्या कहते हो? प्लूरल्स कहते हो। क्या कहोगे? प्लूरल्स कहेंगे हम। ओके, जैसे बुक, दिस इज बुक, ये एक है तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। ओके, एक बुक है तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। लेकिन अब ये क्या हो गई? दो हो गई। एक से ज़्यादा होगी तो ये क्या होगी? प्लूरल्स होगी। तो ये क्या होगी? प्लूरल्स होगी। ओके, एक बुक होगी तो सिंगुलर है, एक चीज़ क्या है? एक चीज़ क्या है? सिंगुलर। और एक से ज़्यादा चीज़ें क्या होगी? प्लूरल्स होगी। ओके, एक से ज़्यादा, अब ये तीन होगी तो तब भी ये प्लूरल्स ही रहेंगी। ओके, एक को आप सिंगुलर कहते हो और एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल्स। एक चीज़ को हम सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ को हम प्लूरल्स बोलते हैं। अब सिंगुलर को प्लूरल्स में चेंज कैसे करते हैं? ये एक है तो इसको मैंने क्या कहा? बुक। ये सिंगुलर है, एक है तो इसको मैंने क्या कहा? बुक। लेकिन ये एक से ज़्यादा हो गई तो इनको मैंने क्या कहा? बुक्स। एक से ज़्यादा होगी तो क्या बोला मैंने? बुक्स बोला। क्या बोला? बुक्स। तो मैंने क्या किया? सिंगुलर के आगे क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो क्या बन गया? प्लूरल्स। सिंगुलर को प्लूरल्स में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? सिंगुलर के एंड पे क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे। ठीक है, सिंगुलर के एंड पे क्या लगा देंगे? एस। जैसे बुक है, बुक्स, अब क्या होगी? बुक्स। एक थी तो क्या था? बुक। और एक से ज़्यादा होगी तो बुक्स। ओके, लेट्स प्रिपेयर योर पेज फॉर राइटिंग। Write on the date. What date is today? Today is 10. Month is August and number of August is 8 and 2020. Then write on C.W. classwork. And what day is today? Today is Monday. M-O-N, Monday, day. Monday. Then write on the heading, singular and plurals. S-I-N, singular, singular. और singular को हम किस में convert करेंगे? Plurals में. P-L-U-R-A-L-S, plurals. पहले हम सिंगुलर्स लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे और सिंगुलर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्लूरल्स में। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है सी ए पी कैप। अब ये एक है, ठीक है, तो इसका हमने क्या कहा? कैप। अब एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे? सी ए पी, सिंगुलर के एंड पे क्या लगा देंगे? मैंने क्या बताया आपको? एस। तो ये क्या हो गया? कैप्स। एक थी तो कैप थी और एक से ज़्यादा होगी तो कैप्स। क्या लगा दिया हमने सिंगुलर के एंड पे? देखें, बाकी उसी तरह रहा, सी ए पी, तो एंड पे क्या आ गया? एस। तो ये क्या हो गया? प्लूरल्स में चेंज होगी। प्लूरल्स क्या मतलब? एक से ज़्यादा होंगी तो कैप्स हो जाएंगी। ठीक है, देन बैट, बी ए टी, बैट। एक था तो बैट, और एक से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएंगे? बैट्स, बी ए टी एस, bats. Then the next word is mat, M-A-T, mat. एक था तो mat, और एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या लगा देंगे एंड पे?
एस एम ए टी एस मैथ्स सी यू पी कप सी यू पी कप तो एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे कप्स सी यू पी एस कप्स फ्रॉग एफ आर ओ जी फ्रॉग एक से ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएंगे फ्रॉग्स सिंपल कि सिंगुलर स्कैन पे आप ऐसे लगा दोगे तो किस क्या हो जाएगा प्लूरल्स में चेंज हो जाएंगे ठीक है सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल्स मतलब एक से ज़्यादा सिंगुलर मीन्स वन थिंग एंड प्लूरल्स मीन मोर देन वन थिंग सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल्स मीन मोर देन वन क्या मतलब होता है सिंगुलर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल्स मीन मोर देन वन और सिंगुलर्स को प्लूरल सिंगुलर को प्लूरल्स में कैसे चेंज करेंगे सिंगुलर्स के एंड पे आप क्या लगा दोगे एस लगा दोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा प्लूरल्स में चेंज हो जाएगा किस में चेंज हो जाएगा प्लूरल्स में चेंज हो जाएगा जैसे था हमारे पास कैप तो ये किस में चेंज हो गया कैप्स बैट बैट्स मैट मैट्स कप कप्स फ्रॉग फ्रॉग्स ओके दिस इज योर टूडेज राइटिंग आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड समझ आ गई होगी आपको फिर भी अगर आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो एंड यू आस्क मी पर्सनली ओके आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं कि पर्सनली आप मुझसे मैसेज करके या कॉल करके समझ सकते हैं ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़